क्लास टेंथ का मैथ्स का हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं आज, क्या रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या है। तो रियल नंबर्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि रियल नंबर के अंदर रिएशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसके अंदर रिएशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिले हुए हों, उनको बोलते हैं हम क्या, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगराइज किया हुआ है, पहला क्या है, पहला हमने रिएशनल नंबर और दूसरा हमारा क्या, इरेशनल नंबर। अब रिएशनल नंबर क्या है, वैसे तो आप ये पहले पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, रिएशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सके, ठीक है, यानी कि ये वाले p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। आप एक बार ध्यान रखना, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाएंगे कैसे, अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है 6, तो 6 को आप लिख सकते हो 6 अपॉन 1, यानी कि यहां पे एक और कंडीशन होती है रिएशनल नंबर के लिए कि q नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों नॉट इज इक्वल टू 0 मींस कि क्यू की जो वैल्यू, यानी नीचे की जो वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, वो कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे इसमें अलग अलग है कि टर्मिनेटिंग है या वो बाद में बात करेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई भी इन अंडर रूट से डायरेक्टली बाहर नहीं निकलता है, यानी कि प्राइम नंबर है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राइम भी ऐसा नहीं कि आप बोलोगे 21, हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जैसे कि 1.3721 आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि हम उन्हें नीचे है नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि जो p अपॉन q की फॉर्म में लिख जाए वो रिएशनल नंबर, और जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जाए वो इरेशनल नंबर। रिएशनल नंबर में है नॉन इंटीजर रिएशनल नंबर और एक होते हैं इंटीजर्स। तो ये क्या होता है, ये वो चीज होती है जो इंटीजर्स को छोड़ के, जो इरेशनल भी ना हो और इंटीजर भी ना हो, तो उनको हम बोलते हैं नॉन इंटीजर रिएशनल नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये है, इंटीजर हमेशा 1, 2, 3, 4 में आपने देखे होंगे, जो भी अपॉन वाली फॉर्म में होते हैं या पॉइंट वाली फॉर्म में होते हैं वो नॉन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स को क्या आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, इंटीजर क्या हुआ, एक तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव, उनको बोलते हैं हम क्या, इंटीजर। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक पॉइंट लिख लेना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शन रिएशनल नंबर और इंक्लूड 0, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 भी ऐड की हुई है, ठीक है। इसमें 0 भी मिला, ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली हमारी है पॉजिटिव इंटीजर, और ये वाली जो साइड है हमारी, ये क्या है हमारी, नेगेटिव इंटीजर। तो हमने इसको फिर दो हिस्से में बांटा हुआ, देखो 2, तो वन साइड में क्या है हमारा, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये नेगेटिव है, 3, 2, 1, 0 इसमें नहीं होगी, और ये हमने होल नंबर लिखा। आप चाहे तो ये पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर होता तो हमारा क्या होता, 1, 2, 3, 4 होता, तो मैंने इसमें 0 भी ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, होल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, तो इंक्लूडिंग 0 को आप यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है, वो मैंने लिखा है। अब होल नंबर्स को हमने दो हिस्से में तोड़ा हुआ है, तो क्या, एक तो 0 है हमारा, और सेकंड पार्ट जो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता ही क्या होते हैं, 1, 2, 3। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट है, इसमें लिख रहा है यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो हमने एचसीएफ पहले जो सीखे हैं वो इस तरीके से सीखे हैं आपने, कि मान लो 24 और 36 का आपको करना है, तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। लेकिन कभी कभी इस बारे में दिक्कत होती है, या फिर ये क्वेश्चन उस वाले मेथड से करने के लिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हमारा ये थ्योरम, यानी इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम हमें यूज करनी है, जिसकी वजह से ये हमें क्वेश्चन करके दिखाना है। तो आप देखना, आप लोगों ने जो पहले क्वेश्चन किए थे वो इस तरीके से किए, क्या जरा ध्यान से देख लें, कैसे कि 2, 2, 5 का डिवाइड करते थे आप किसमें, 1, 3, 5, तो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 135 बन जाए, 135, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 90 बचेगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे इसमें 135, तो यहाँ पे भी कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा, तो 90 बन जाए 90, यहाँ पे कितना बचेगा, 45, कितना बच गया, 45 से फिर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 2 90, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो इससे हमें पता चल जाती थी कि हमारा जो HCF है वो कितना है, 45। ये एक बेस्ट तरीका था, और वास्तव में ये वाला मेथड भी यही है, कैसे जरा देखते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर है किससे, बी से, नहीं समझे, कहने का मतलब जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 225, और बी की जो वैल्यू वो कितनी है, 135। तो अब इसको हम इससे हेल्प लेके, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले जो क्वेश्चन को हम करते हैं वो बिना इसके सॉल्व नहीं कर सकते,
आपको कौन है वो सॉल्व कर लेना चाहे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये इसका एक पार्ट है, चाहे से आप दिखाएं या फिर नहीं दिखाएं, ठीक है। तो एक ही जगह पे हम कितना रखेंगे यहाँ पे 225, और बी की जगह पे कितना है हमारा 135, और क्यू का मतलब होता है क्विसेंट और आर का मतलब होता है रिमाइंडर। तो क्विसेंट कितना है हमारा 1, कितना है हमारा यहाँ पे 1, और रिमाइंडर कितना बचा था हमारे यहाँ पे 90, कितना बचा था 90, आप चेक करके देख लेना ये 225। अब क्या करेंगे हम, अब हम रखेंगे यहाँ पे 135, कितना रखेंगे 135, क्योंकि यहाँ पे 135 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 90, क्विसेंट कितना होगा इसका 1, और रिमाइंडर कितना बच गया हमारा इसमें 45, कितना बच गया इसमें रिमाइंडर हमारा 45। अब इसी टाइप से हम फिर 90 को रख लेंगे, 90 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 इंटू 2 प्लस के 0, तो जैसे ही 0 आएगा तो हम स्टॉप हो जाएंगे और हमको हमारा जो आंसर है वो मिल गया। तो हमारा जो एच सी एफ हो गया वो हमारा आंसर हो गया क्या 45। तो ये हो गया हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 255। सेकेंड आपको खुद करना है, तो हमें पता है ए ग्रेटर है बी से, तो जो ए की वैल्यू होगी हमारी वो ए की वैल्यू होगी हमारी क्या 867, और जो बी की वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी 255, कितनी होगी 255। तो पहले आपको क्या करना है, इसका डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम वो वाला क्वेश्चन यानी लेवल द्वारा लगा सकें, ठीक है। तो ये जाएगा 867 का हम डिवाइड करेंगे 255 में, 255 का हमें टेबल पढ़ना है, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो कितना आएगा 765, और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 102, फिर 102 से हम इसका डिवाइड करेंगे किसका 255 का, 255 का कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 402, तो कितना बचेगा हमारा 151, फिर 51 में हम डिवाइड करेंगे, या अगर दिख नहीं रहा है तो सुना जा रहा होगा 51 में डिवाइड करना है हमारा 102 से, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो कितना जाएगा 100 एंड 0, ठीक। ये वाला प्रोसेस हमें सिर्फ करना है, दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, बाकी यहाँ पे आपको ये वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना है ए इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ लिख लेना क्यू क्यूसेंट है और आर रिमाइंडर है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 867, ओके, और बी की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे कितना है 255, और क्यूसेंट कितना आया था हमारे यहाँ पे कितना 3, कितना आया था 3, और रिमाइंडर कितना था हमारे यहाँ पे 102, कितना 102। उसके बाद हमारा कितना है 255 को हम कैसे लिखेंगे, 255 को हमने क्या करा है 102 की मल्टीप्लाई किसमें है हमारी 2, किसमें 2, और रिमाइंडर कितना है हमारा यहाँ पे 51, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 102 को लिख सकते हैं 51 into 2 प्लस के 0, तो हमें अपना प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप करना है, और हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया हमारा HCF जो हो गया हमारा वो कितना हो गया 51, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर और इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें एक एल्गोरिथम याद रखना, थ्योरम यूज कर देता हूं, वो सब गलत है, एल्गोरिथम, ठीक है। तो a प्लस a इज इक्वल टू 6q+kr, तो हमको ये सिर्फ सो मतलब दिखाना है, यानी कि प्रूव करना है हमको कि ये वाले क्या है ओड है। अब ओड को कैसे प्रूव करोगे, ओड मतलब वो चीज जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। तो अगर किसी में 2 से कोई चीज कॉमन निकल जाती है तो इसका मतलब कि वो इवन हो जाएगी और बाकी हमारी क्या हो जाएगी ओड, तो हमें ये वाली चीज दिखानी है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाली कंडीशन यानी 6q+1 जो है यानी कि 6q+1 इसकी फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है भी वो दे रखा है, तो यहां पे आप एक बात कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि a एंड b को समझ रहे हो, 6 कीजिए भैया क्या है b है, a इज इक्वल टू bq+kr, तो b क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां हमारी जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी क्या 6, क्या जाएगी 6, अगर आप इसे देखें यहाँ पे b होना चाहिए तो यहाँ पे क्या है 6 है, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी 6, तो सब में 6 ही है।
तो आपको मैं बता दूं क्विसेंट जो है वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता अगर आप वो मैं भी आगे बताता हूँ। तो जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 4 है, 6 मार्क 6, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2। अब आपको पता है ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू हमारी है बी और ये वाली वैल्यू क्या है हमारी ए। तो अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे 2, 3 का 6, यहाँ पे कितना होगा 0। ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर और ये क्या होगा हमारा क्विसेंट। अगर आप यहाँ पे रख सकते हो क्या 4, तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 लाएंगे कितना होता है 2। तो रिमाइंडर आप कितना भी तरीके से चेक कर लेना, इससे ज्यादा कभी भी आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिमाइंडर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। कितना हो सकता है उसके एक लेवल तक हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 5 तक हो सकता है। अब जरा लेंगे क्या लेंगे, देखो इस पे हम लगाते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। बी की वैल्यू आपको पता है क्या है 6, ओके ठीक है। क्यू एज इट इज और r की वैल्यू कितनी रखी है हमने एक बार 0। पहली कंडीशन पे हमने क्या कर दिया r की वैल्यू 0। अब दूसरे में यहाँ पे r इज इक्वल टू मैंने 0 लिया है, यहाँ पे मैंने r इज इक्वल टू 1 लिया, तो a इज इक्वल टू ये 6 है भाई, 6 क्यू प्लस के 1, ठीक। फिर जब मैं r इज इक्वल टू क्या लूंगा 2, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस के, r की जगह पे 2 लेंगे तो यहाँ पे जो r है वहां पे क्या रख देंगे 2। ऐसे ही r इज इक्वल टू 3 लेंगे तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस के 3, फिर r इज इक्वल टू 4 लेंगे हम तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस के 3, ठीक है। जरा तो हम सारा जितने भी हमने निकाले उनको एक लाइन पर लिख लेते हैं, तो लिखते हैं क्या 6 क्यू, क्योंकि 0 को लिखना जरूरी नहीं है। फिर लिखेंगे हम क्या 6 क्यू प्लस के 1, फिर लिखेंगे हम क्या 6 क्यू प्लस के 2, और फिर लिखेंगे हम 6 क्यू प्लस के 3, फिर लिखेंगे हम 6 क्यू प्लस के 4। चलो हम उसके बाद नहीं करेंगे। तो यहां से आप देख रहे हो इस 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 क्यू, इससे हम कोई कॉमन नहीं निकाल सकते, इससे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कितना जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस के 1। यहां से भी हम कोई कॉमन नहीं निकाल सकते, इसको छोड़ो। तो यहां पे भी हमारा ये इवन बन गया और यहां पे भी हमारा क्या बन गया इवन बन गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू आगे आता तो वो कितना होता 5। क्या है हमारे ओड इंटीजर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया भी आपको कि हमारे ये क्या हो गया हमारा ओड इंटीजर हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन, ए आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ द 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन एप्रिल, द टू ग्रुप आर द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। तो हमको बाबू इसमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर आपको मैं बता दूं, कहीं भी मैक्सिमम नंबर से रिलेटेड अगर कोई चीज फाइंड करनी होती है, जब हमसे मिनिमम के लिए पूछता है तो उसका मतलब होता है एलसीएम, और जब हमसे पूछता है मैक्सिमम नंबर के लिए तो करता है एचसीएम। देखो ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं समझाएंगे क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो, कुछ सही से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लें, नेक्स्ट जब आएंगे तो हमें थोड़ी आदत हो जाएगी, फर्स्ट है तो देखते हैं। तो हमें क्या करना है इनका एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम पीछे से इक्वल एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो हम इससे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ, क्या कर सकते हैं इससे फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास 616 और मेंबर्स है, और कितना है बाबू बैंड के कितने हैं 32 मेंबर्स, कितने 32 मेंबर्स। तो हमको एक एचसीएफ फाइंड करना है, इक्विवेलेंट एल्गोरिथम हमको यूज करनी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमको पता है ए ग्रेटर होना चाहिए बी से, तो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 616 और बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 32। आपको पता है क्वेश्चन करने से पहले हमको डिवाइड करना जरूरी है, तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड हम कर ही सकते हैं कैसे, 616
16 का 32 से डिवाइड करेंगे, तो 32 वन जा कितना होता है 32। 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ होगा 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2, और ये कर लिया 6। 32 का बेटा कितना बचा जाएगा एक बार देख लेना, 32 9 का होगा 288, कितना होगा 288, तो ये कितना होगा 16 में से 8 गए तो कितना बचेगा 8। ठीक, फिर हमें करना क्या है, वैसे तो आप चाहते तो इसको इस तरीके से डिवाइड ना करके थोड़ा स्टार्ट, तो अब क्या करेंगे हम इससे डिवाइड करेंगे 32 में। कंसीडर ये था कि 2 बार की डिवाइड करते हैं हम, तो 1 बार करते हैं, लेकिन जब तक कंप्लीट हम डिवाइड ना कर ले तब तक हम दूसरा डिवाइड नहीं करते, तो कंप्लीट डिवाइड करना होता है उसके बाद आगे चलते हैं। तो 8 4 का कितना हो गया 32, तो कितना बचा भैया 0। अब हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे भैया, पहले लिखेंगे 660 इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाई 90, और रिमाइंडर जो होगा हमारा वो कितना था भाई 8, कितना था 8। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 32 इज इक्वल टू 84 जा, और रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो हमें क्या करना है, स्टॉप है, हमें बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाना है जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो HCF हो गया, यानी कि जो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर जो होना चाहिए मार्च में कॉलम में वो कितने हैं 8, तो आंसर आ गया हमारा 8।